और अब बात करते हैं जेडीयू नेता के गोलीकांड की। बिहार के रोहतास में पूर्व विधायक और जेडीयू नेता सूर्यदेव सिंह को दो बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सूर्यदेव सिंह पर जमीन विवाद में चार बच्चों सहित पांच लोगों को गोली मारने का आरोप है। नाराज लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। बिहार में पूर्व विधायक का गोलीकांड। रोहतास में बच्चों पर बरसाई गोलियां। ये तस्वीरें रोहतास के विक्रमगंज के तेंदुनी गांव की हैं। लोगों की भीड़ और पुलिस के बीच तू तू मैं हो रही है। लोग गुस्से में हैं। हालात बेहद तनावपूर्ण, क्योंकि पूर्व विधायक और वर्तमान में जेडीयू के नेता सूर्यदेव सिंह पर आरोप लगा है बच्चों पर गोलियां चलाने का। आंगन में खेल रहा था, दिले गोली चलाने लगा। कौन चलाने लगा? वो विधायक है, वो संजय। लड़का हमारे गिर गए हुए, तब मम्मी है, मम्मी तो फिर वो हो अब दौड़ के करे के, तो फिर हमारा पे गोली चला, तो हमें करे के लेके घर में अंदर में चल गए हमें। आरोप है कि पांच लोगों को पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह ने गोली मार दी, जिसमें चार बच्चे थे। गोलीबारी में दो बच्चों की मौत हो गई है, जबकि बाकी के तीन जख्मी हैं। कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक ने जमीन विवाद में गोली चलाई है। गोलीबारी के बाद गांव में हंगामा मच गया। पूर्व विधायक को घर पर गांव वालों ने घेर लिया। पुलिस को खबर दी गई। हालात की गंभीरता को समझते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की गांव में तैनाती कर दी गई। बच्चों के ऊपर गोली चलाने को लेकर गांव वाले बेहद नाराज थे। गांव वालों ने पुलिस बल पर पथराव करना शुरू कर दिया। एसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों को गांव वालों ने घेर लिया। तनाव बढ़ता देख आखिरकार पुलिस ने पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह और उनके निजी गनर्स को गिरफ्तार कर लिया। सूर्यदेव सिंह 1990 में कम्युनिस्ट पार्टी से पहली बार विक्रमगंज से विधायक बने थे। 1995 में वो आरजेडी के टिकट पर दूसरी बार विधायक बने। इन दिनों जेडीयू में हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।